नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हों, पर कई नेताओं की नाराजगी उन्हें भारी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कैमूर में एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए खुले मंच से नीतीश कुमार को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि 17 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश पर कटाक्ष करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि आजकल के मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कागजों पर वे भले ही मंत्री हों, मगर उनकी हैसियत चपरासी की होती है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मंत्री को जो भी फाइल दी जाती है उस पर दस्तखत कर देते हैं कि कहीं उनका मास्टर नाराज न हो जाए। खुले मन से सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, पीएम नहीं बनने से उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी। नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री पद से होकर ही जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बना दो ताकि स्वर्ग में भी जगह मिल जाए। इस तरह मंत्री पद छोड़ने के बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की नीतियों पर जमकर कटाक्ष किया है। गौरतलब है कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि विभाग के सभी पदाधिकारी चोर हैं और मंत्री होने के नाते वे खुद चोर के सरदार हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ। वहीं जदयू नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बावजूद सुधाकर सिंह अपने स्टैंड पर कायम रहे और उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बिहार के सियासत में अपने बयानों से खलबली मचा दी है। वैसे बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का यह रवैया बिहार में चल रही महागठबंधन सरकार में अंदर का तापमान बढ़ाने वाला है। और सुधाकर सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार को तानाशाह बताया है, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में सत्ताधारी दल जदयू की राह आसान नहीं रहने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।